ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए WWE से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि रोमन रेंस ने कहा अंडरटेकर को ओरिजिनल बिग डॉग, इसके अलावा एलायस ने क्या तैयार किया है अंडरटेकर के लिए एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू में, और कैसे हमें एटीट्यूड एरा का फील बहुत ही जल्दी वापस लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एलायस एंड अंडरटेकर से। तो एलायस ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने लिखा है आई हैव द परफेक्ट फ्यूनरल सॉन्ग फॉर द अंडरटेकर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पॉसिबली हमें एलायस का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे और वहाँ पर वो एक गाना गाएंगे अंडरटेकर के लिए, जो कि उनका फ्यूनरल सॉन्ग होगा। आपको पता है ऐसे गाने तब गाए जाते हैं जब कोई मरता है, लेकिन अंडरटेकर तो पहले से ही डेड मैन है, तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और शायद यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता मैं इसके चलते अंडरटेकर एलायस को इंटरप्ट करते हुए दिखाई दें और उसके बाद अंडरटेकर और रोमन रेंस का मैच स्टार्ट हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है कि WWE कुछ और एलिमेंट ऐड करना चाहती है, और क्या पता हो सकता है एलायस का भी हमें यहाँ पर कोई बड़ा रोल देखने को मिल जाए। नो होल्ड्स बार्ड ही मैच होने वाला है, तो फिर देखते हैं एलायस का क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है और क्या इसका जवाब देते हैं खुद द डेड मैन द अंडरटेकर। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, और ये जुड़ी है कि कैसे हमें एटीट्यूड एरा का फील वापस आता हुआ दिखाई देगा। अब जो हमने सेगमेंट देखा था रॉ के एपिसोड में एक हफ्ते पहले, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड बॉबी लैशली ने मिलकर स्टेज तोड़ दिया था, तो उसके पीछे काफी ज्यादा रूमर्स है कि WWE ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि अब वो एक नया स्टेज लाना चाहते हैं, फैंस को एक नया फील देना चाहते हैं। और अब जो रिपोर्ट्स यहां पर आ रही हैं वो ये कि हमें कुछ ऐसा स्टेज देखने को मिलेगा जो कि फैंस को याद दिलाएगा एटीट्यूड एरा की। अब स्ट्रोलाइंस में एटीट्यूड एरा नहीं आ रहा, तो क्या पता स्टेज में ही आ जाए। WWE का यहाँ पर कुछ ऐसा प्लान है, मतलब यहाँ पर वो स्टेज को कुछ ऐसे डिजाइन करेंगे कि वो थोड़ा सा बोल्ड होगा और वहाँ पर हमें 3D टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। अभी एग्जैक्टली मैं आपको बता नहीं सकता, ना मैं खुद समझ पा रहा हूँ कि क्या WWE ऐसा प्लान कर रही है, क्योंकि वो स्टेज है, कोई ऐसी बताने वाली चीज़ तो है नहीं। वो हमें तभी पता चलेगा जब वो खुद सामने निकल कर आएगा। और वैसे भी रॉ का स्टेज बहुत ही ज़्यादा पुराना है, हम बहुत ही लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हमें इस तरफ लीड कर सकती है कि हमें ऐसा स्टेज देखने को मिलेगा जो कि फैंस को एटीट्यूड एरा की याद दिला सकता है। और वैसे भी स्टेज एक बहुत ही ज़रूरी रोल WWE के अंदर प्ले करता है, क्योंकि जो भी सुपरस्टार की एंट्रेंस होती है वहीं से होती है, और जब सुपरस्टार एंट्री करता है तभी वो फील लाना शुरू कर देता है कि आगे वो क्या करने वाला है। तो इस हिसाब से स्टेज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन यार अगर पायरे होते तो अलग ही मजा आ जाता। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस द बिग डॉग ने कहा अंडरटेकर को द ओरिजिनल बिग डॉग। अब होता यह है कि स्मैकडाउन लाइव खत्म होने के बाद बैक स्टेज रोमन रेंस का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर वो कहते हैं कि भैया मुझे रोकने के लिए एक दो बंदों की जरूरत नहीं होगी, पूरी टीम की जरूरत होगी, और फिर भी शायद आप ऐसा ना कर पाओ। और फिर वो ये कहते हैं कि अंडरटेकर को वो ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि है द ओरिजिनल बिग डॉग एक्सट्रीम रूल्स में जाकर। वो यहाँ पर मेन इवेंट मैच की बात करते हैं जो कि हमें रेसलमेनिया में देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि मैं उस समय रेडी नहीं था अंडरटेकर के साथ मैच लड़ने को लेकर, मैं इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा है कि अब हम दोनों एक साथ रिंग में काम करने वाले हैं और हमें रोकना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा रोमन रेंस यहाँ पर अपनी स्केड्यूल की बात भी करते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू से पहले वो कितना ज़्यादा बिजी है, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को अटेंड करना है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह एक्सट्रीम रूल्स में पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो फिर देखते हैं अब अंडरटेकर और रोमन रेंस मिलकर क्या करते हैं एक्सट्रीम रूल्स में। वैसे अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स कब है इंडिया में, कितने बजे स्टार्ट होगी, कब इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा, कौन से ऑफिशियल मैचेस है, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर पहले लिंक आपको खोलना है और सारी डिटेल्स होंगी आपके सामने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स बताना कि आपका क्या मानना है रोमन रेंस का ओरिजिनल बिग डॉग कहने को लेकर। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।